क्या मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल स्मार्ट हो गई है? स्मार्ट सिटी कंपनी का दावा है कि उसके सारे काम पूरे हो चुके हैं, मगर क्या वाकई में भोपाल इन कामों के बाद स्मार्ट हो गया है? क्या करोड़ों रुपए खर्च करने के बाद जनता को इन कामों का फायदा मिल रहा है? क्या स्मार्ट साइकिल लोग चला पा रहे हैं? अटल पथ पर सुकून मिल पा रहा है? क्या स्मार्ट पुल से कोई फायदा हो रहा है? विस्तार से देखिए ये रिपोर्ट और तय करिए क्या राजधानी वाकई स्मार्ट हो गई है। क्या है स्मार्ट शहर का हाल? विस्तार से स्मार्ट सिटी की पड़ताल। विस्तार न्यूज की टीम सबसे पहले राजधानी भोपाल के होशंगाबाद रोड पहुंची। यहां स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत करीब 5 करोड़ की लागत से साइकिल ट्रैक बनाया गया, लेकिन ये साइकिल ट्रैक अब सिर्फ नाम का रह गया है। ट्रैक उखड़ चुका है, साइकिल तो दूर, पैदल घूमना मुश्किल है। जगह जगह गड्ढे हैं। रही सही कसर BRTS कॉरिडोर तोड़ने के बाद पूरी हो गई। इसी ट्रैक पर बस स्टॉप भी बना दिए गए जो पूरे ट्रैक को घेरे हुए हैं। केंद्र सरकार द्वारा शहरों को स्मार्ट बनाने के लिए स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट लाया गया था, जिसमें कई शहरों को शामिल किया गया था। उन्हीं में से एक है राजधानी भोपाल। राजधानी भोपाल को भी स्मार्ट सिटी बनाया जाना था, लेकिन राजधानी भोपाल कितना स्मार्ट सिटी बना, इसी की आज विस्तार न्यूज लगातार पड़ताल करेगा और जानेगा कि स्मार्ट सिटी के तहत कितना काम हुआ। आप ये जो रोड रनिंग वॉकिंग ट्रैक देख रहे हैं, ये स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के अंदर ही आता है। इस रोड रनिंग वॉकिंग ट्रैक की हालात देखिए, क्या लोगों की समस्या को ऐसे ही ठीक करना था, लोगों को ऐसी स्मार्ट सिटी देनी थी भोपाल में जो लोग रहते हैं। देखिए तस्वीरें, देखिए किस तरह से पूरा जो ये है वॉकिंग ट्रैक उखड़ा हुआ है। और यहाँ पर ये जो वॉकिंग ट्रैक है, इसमें दौड़ने के लिए लोगों को बनाया गया था या स्मार्ट साइकिल स्मार्ट बाइक चलाने के लिए लोगों को बनाया गया। ये ट्रैक इसलिए बनाए गए थे ताकि लोग साइकिल चला सकें, यहाँ बाइक और कार अंदर ना आ जाए, इसके लिए लोहे के खंभे भी लगा दिए गए थे जो अब धराशायी हो गए हैं। धड़ल्ले से कार और बाइक अब इस ट्रैक पर घूमते हुए नजर आते हैं। इतना ही नहीं, अब तो यहाँ लोगों ने इसे पार्किंग का अड्डा बना लिया है, जहाँ हर कहीं कार और बाइक खड़ी हुई दिख जाती है। बड़ी बात यह है कि बस स्टैंड तो बनाया गया, लेकिन यहाँ पर जो ये पिलर होने चाहिए, इसकी तस्वीर अभी दिखाएंगे आपको। यहाँ पर जो ये छोटे छोटे पिलर हैं, ये हर जगह इसलिए लगाए जाने चाहिए थे ताकि इसमें किसी प्रकार की कोई दो पहिया वाहन या फिर कार ना जा सके, लेकिन ये उखड़े हुए हैं। ये तस्वीर दिखाइए, ये दिखा रहे हैं, ये देखिए। अब हमने स्मार्ट बाइक या स्मार्ट साइकिल का रुख किया। ये स्मार्ट बाइक अपनी दुर्दशा पर आंसू बहा रही है। लाखों रुपए की साइकिल धूल फांक रही है, रखी रखी कबाड़ हो रही हैं, लेकिन ना तो कोई इन्हें देखने वाला है ना ही कोई चलाने वाला। स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के अंतर्गत स्मार्ट बाइक भी चलाने को लोगों को मिलती है, और ये स्मार्ट बाइक या स्मार्ट साइकिल कह लें, ये राजधानी भोपाल के अलग अलग जगहों पे ऐसे ही खड़ी होती हैं। जिन्हें ये साइकिल रेंट में लेना होता है यानी किराए में चलना होता है, वो बाकायदे इस साइकिल को ले सकते हैं। लेकिन ये जो साइकिल है, इनकी तस्वीर देखिए, लंबे अरसे से ऐसे ही खड़ी रहती हैं। इनको ना तो कोई चलाने वाला मिल रहा है, ना ही कोई ये रेंट में लेकर जा रहा है। स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत स्मार्ट पोल भी लगाए गए हैं। ये पोल आधुनिक तकनीक से लैस हैं, कैमरे हैं, लाइट हैं, LED बोर्ड हैं और साथ में वाईफाई की सुविधा भी है इनमें। लेकिन जब हमने पड़ताल की तो इन स्मार्ट पोल की भी पोल खुल गई। एक बड़ी बात यह है कि जो वाईफाई का दावा स्मार्ट सिटी करता है कि इसमें वाईफाई लगाया गया, वो कितना काम करता है ये मैं एक बार तस्वीरों में नोट दिखाऊंगा आपको। ये देखिए, स्मार्ट सिटी वाईफाई में कनेक्ट कर रहा हूँ, आप तस्वीरों में देखिए कई वाईफाई है, लेकिन स्मार्ट सिटी का जो वाईफाई है इसमें पासवर्ड नहीं मांगता। इसे मैंने कनेक्ट कर लिया है, शायद सर्च हो रहा है, कुछ डाल के देखता हूँ। मैं विस्तार न्यूज लिख रहा हूँ इसमें, और कोशिश करेंगे कि ये जो इसका स्मार्ट सिटी का जो वाईफाई है वो कितना कारगर है, मतलब नेट नहीं है। अब हम सुकून तलाश में अटल पथ पर आ चुके थे। ये अटल पथ भोपाल के लिए सुंदरता का प्रतीक माना जाता है। खूबसूरती के बीच कुछ पल के आराम के लिए कुर्सियां लगाई गई हैं, हरे भरे पेड़ हैं, लेकिन अब ये अटल पथ भी उखड़ चुका है। बारिश ने इसकी स्मार्टनेस को जैसे खत्म ही कर दिया। स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के अंतर्गत आने वाले राजधानी भोपाल में अटल पथ भी बनाया गया था। ये वही प्रोजेक्ट का हिस्सा है, आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि ये अटल पथ है। तो एक बड़ा प्रोजेक्ट था स्मार्ट सिटी के अंतर्गत ये अटल पथ, और जिसका निर्माण किया गया था। लेकिन बड़ी बात यह है कि
अटल पथ में सुंदर सब कुछ है, सब कुछ अच्छा अच्छा है, लेकिन जो इसकी रोड है वो बारिश के कारण जगह जगह पर उखड़ी पड़ी हुई है। इधर स्मार्ट सिटी कंपनी के अधिकारी खुश हैं, अपनी पीठ थपथपा रहे हैं और दावा कर रहे हैं कि 90% से ज्यादा काम हो चुके हैं जिन्हें नगर निगम को हैंडओवर किया जा रहा है। ITMS हमारे द्वारा संचालित किया गया, गवर्नमेंट हाउसिंग का कार्य किया गया, स्मार्ट रोड बनाई गई, अटल पथ बनाया गया और हाट बाजार बनाया गया, आदि कार्य हमारे द्वारा किए, भोपाल स्मार्ट सिटी द्वारा किए गए। स्मार्ट सिटी कंपनी का अपना दावा है, दावा सही भी मान सकते हैं क्योंकि काम तो पूरे हो रहे हैं, लेकिन विस्तार न्यूज की पड़ताल में ये तो साफ है कि काम में खामियां बहुत हैं, क्योंकि आज जो हालात हैं वो ये साफ साफ बताती हैं, ऐसे तो भोपाल स्मार्ट सिटी कहीं से नहीं लगेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज। फिलहाल जगह जगह पर जब स्मार्ट सिटी की हमने पड़ताल की तो कई जगह कई खामियां नजर आई। इन खामियों को कब दूर किया जाएगा ये देखने वाली बात होगी। कैमरा पर्सन राकेश के साथ सूरज तिवारी, विस्तार न्यूज। इसमें कोई दो राय नहीं कि काम तो पूरे हो चुके हैं, लेकिन यह भी उतना ही सच है कि भोपाल की जनता को इनका लाभ नहीं मिल पा रहा, क्योंकि काम तो हुए हैं लेकिन प्लानिंग और देखरेख के अभाव में स्मार्ट सिटी के सारे काम दम तोड़ रहे हैं। स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट में तो फिलहाल करोड़ों रुपयों की बर्बादी ही दिखाई दे रही है।